हेलो दोस्तों, मैं विकास वाला। चलो नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं अपन नंबर सिस्टम का। आज अपन नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो। जीरोज को काउंट करेंगे आज अपन, यानी कि किसी नंबर में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ये काउंट करना सीखेंगे अपन। ये अपना नंबर सिस्टम का एक बहुत अच्छा टॉपिक है और सीधा सा सरल सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। सीधे सीधे सवाल आते हैं, लेकिन अपन को वो ट्रिक ध्यान रखनी है, वो मेथड ध्यान रखना है, जिससे अपन सीधे सीधे क्वेश्चन को कर लेते हैं। मैं एक चीज देता हूं, आपको दिखाता हूं। एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना पांच गुना छह गुना सात गुना आठ गुना नौ गुना दस। ये अपने को जो इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, सब मल्टीपल में है, इसको गुणा करते हैं अपन। अब इसको गुणा करने बैठेंगे, चलो छोटी छोटी संख्या है, अपन इसको गुणा भी कर लेंगे। तो इसमें ये देखेंगे कि इसको गुणा करने के बाद में इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ये अपन को आज देखना है। अब देखो, इसको गुणा करने पर शायद आएगा 800, ये मैंने याद कर रखा है। इसको गुणा करने के बाद में ये संख्या आती है। वैसे आप करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी और काफी सारी बड़ी संख्या है, आपके पास टाइम है, आप अच्छे से करके देखना। लेकिन मेरे को टीचिंग कराने की वजह से मैंने सीधा याद कर रखा है इसको। यहां अपन देखते हैं कि इसके लास्ट में दो जीरो आ रहे हैं, एक ये जीरो एक ये जीरो, इससे पीछे नॉन जीरो नंबर है और ये अपने जीरो नंबर है। अपन को सिर्फ ये देखना है कि लास्ट में अपने कितने जीरो आ रहे हैं। इधर चाहे कितने भी जीरो हो उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, बीच में कितने जीरो आएंगे उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं अपन को वही काउंट करने हैं। एक चीज देखिए, आपने नोट की 10 से गुना किया, अपन को पता लग गया एक जीरो तो कन्फर्म है गुना करने के बाद, 10 से किया है। एक चीज और देखिए, यहाँ पे इसको अपन दो गुना दो कर देते हैं, छह को अपन दो गुना तीन कर देते हैं, ये दो की पावर तीन हो गया, आठ को अपन सीधा लिखते हैं। तो ये चीज देखिए, लेकिन पांच है, दस कैसे बनता है? दो गुना पांच, ये फैक्टर आया दो का और पांच का, इसको अपन गुना करेंगे तो बनेगा दस। एक जीरो आया अपना यहां से, तो इस नंबर के लास्ट में अपन देखते हैं कि दो जीरो आ रहे हैं। ये तो छोटा सा नंबर था, अपने इसको काउंट कर लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया, तो अपन को पता लग गया कि इसमें कैसे जीरो आ रहे हैं। सॉरी, अब अपन कोई और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अपने पास में आए एक गुना दो गुना तीन गुना और 87 तक अपन गुना करते जाते हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर कितने जीरो आ रहे हैं। वो तो छोटा सा नंबर था, अपने काउंट कर लिया, उसको मल्टीप्लिकेशन करके अपने निकाल लिया कि वो ये इसमें सिर्फ दो जीरो आ रहे हैं। लेकिन इसको अपन काउंट करते हैं, इसको गुना करेंगे बैठेंगे तो यहां तक गुना करने जाएंगे तो मुझे तो लगता नहीं है कि अपन गुना कर लेंगे। मान लो कल भी लिया, एक दिन में कर लिया, दो दिन में कर लिया, लेकिन एग्जाम में ये चीजें पॉसिबल नहीं है, अपन इनको सबको गुना करने बैठेंगे। 87 को अपन क्या ले सकते हैं? 87 को अपन फैक्टोरियल, इस चीज को ऐसे भी ले सकते हैं कि फैक्टोरियल 87। बुक्स में फैक्टोरियल का सिंबल ये मिलता है, फैक्टोरियल 87। पहली क्लास में मैंने बताया था कि किसी भी फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, जैसे फैक्टोरियल 15 है तो इसको कैसे लिखेंगे? 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा, ऐसे करते करते गुणा एक टिल एक तक जाते हैं अपन। उसी प्रकार ये दे रखा है कि एक से लेकर 87 तक के गुणा के करते हुए अपन को जाना है नंबर को, और इसमें जीरो निकालने हैं। इसमें जीरो निकालने के लिए अपन देखेंगे कि जैसे अपन लिखते हैं इसको, तीन के आगे चार आया, आगे पांच, आगे छह। दोस्तों एक चीज नोटिस किया आपने, यहां पे नंबर ऑफ टू है
दो की संख्या यहाँ पे जैसे ये 2 गुना 2, यहां भी 2 आ रहा है, लेकिन अपन देखते हैं कि 5 नंबर ऑफ 5 की संख्या इसमें है कम, तो अपन नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए क्या करेंगे, 87 में भाग देंगे 5 का। सीधी सी बात है, कोई ज्यादा इसमें कठिनाई वाली बात नहीं है, जो भी बड़े से बड़ा नंबर होगा 0 निकालने के लिए उसमें अपन 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने पर अपन देखते हैं कि इसमें क्या आता है, अपन 5 से डिवाइड सीधा करके दिखा देता हूं मैं, वैसे तो सबको आता है, बात ना हो। 1 यहां बचा 3, 7 5 35, रिमाइंडर आया 2। अपन को रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है यहां पे, अपन को सिर्फ भागफल से मतलब है, क्वेश्चन क्या आता अपना उससे मतलब है। इसको डिवाइड करने पर आया 17। अब एक चीज नोटिस करने वाली है कि जो भागफल आया 17 वो भाजक से अपने 5 से बढ़ा है फिर भी, तो इसको अपन फर्दर डिवाइड करेंगे, फर्दर 5 से डिवाइड करते हैं अपन इसको, 17 को 5 से डिवाइड करेंगे तो अपन देखते हैं कि इसमें भाग जा रहा है 3 बार। शेषफल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी मतलब नहीं है, अपन को सिर्फ भागफल देखना है क्या आ रहा है। अब अपन देखते हैं 17 + 3, इसको काउंट करते हैं, इसको जोड़ते हैं तो अपने पास आ रहा है 20। दोस्तों इस संख्या को गुणा करते हैं अपन तो अपने पास में 0 की संख्या आएगी 20, 20 0 आ जाएंगे अपने पास में, सीधी सी बात है। अगर ये संख्या होती यहां पे अपन देखते हैं कि 5 इसमें कम बार आ रहा है और 2 है वो ज्यादा बार आ रहा है, अगर इसमें 2 कम बार आता तो अपन 87 को 2 से डिवाइड करते और फिर वही प्रोसेस है, जो आता उसको अपन ऐड करते। एक चीज मैं बताता हूं आपको साथ में, अपने डिवाइड क्यों कर रहे हैं दोस्तों, एक चीज लिखता हूं, 5 गुना 5, सुनो, 5 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, मान लो ये 5 5 ही आ गया तक, सो फार तक जहां तक जाएगा। अब अपन इसमें फैक्टर देखते हैं, अपन को निकालना नंबर ऑफ 0, ये एक फैक्टर ये हुआ, एक फैक्टर ये हुआ, इसमें आगे अपन को कहीं 2 दिखाई दे रहा है, एक चीज देखने को मिलेगी, 5 गुना 2 ये 10 होगा, ये 10 होगा, इसको गुना करेंगे, इसके बाद में जो भी संख्या आएगी पता नहीं क्या आएगी, उसके 5 से पहले जो भी संख्या आ रही है, लेकिन उस संख्या के लास्ट में अपने पास सिर्फ 2 0 आएंगे। और एक चीज देखने को मिली, यहां पे 2 सिर्फ 2 टाइम्स आया है, 2 ओनली 2 टाइम्स आया है, और 5 यहां पे काफी बार आया है, लेकिन अकेला 5 तो 0 बना नहीं सकता, 0 बनाने के लिए 2 की आवश्यकता होती है, और यहां पे 2 सिर्फ 2 बार आया। अब अपन एक चीज देखते हैं, 5 गुना 2, फिर से ये लिखते हैं 5 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे ये चल रहा है। अब वही चीज देखते हैं, फैक्टर बनाते हैं अपन 5 गुना 2 का, 2 बने आगे, अकेले 2 2 2 टाइम्स काफी बार आ रहा है, लेकिन अकेला 2 तो 0 बना नहीं सकता, 0 बनाने के लिए 5 की आवश्यकता होगी, इसको 5 अपने पास सिर्फ है 2, तो वही इस नंबर के लास्ट में अपने पास 0 की संख्या आएगी, ओनली 2, 2 बार 0 आएगा। अगर 2 की संख्या कम है तो जितनी 2 की संख्या होगी उतनी बार 0 आएगा, अगर 5 की संख्या कम है तो जितनी बार 5 की संख्या होगी उतनी बार 0 आएगा, ये बात हमेशा याद रखना। सिंपल सी बात है, 0 निकालना कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है, 2 4 बातें अपन को वो ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, और अपन इसको गुना करते हैं 100 तक। अब इसमें अपन को नंबर ऑफ 0 निकालने हैं, शून्यों की संख्या कितनी होगी इसके अंदर, वही बात है, लार्जेस्ट नंबर क्या है इसके अंदर,
लार्जेस्ट नंबर है 100। इस क्वेश्चन को देखने पर अपन को पता लग रहा है इसमें दो की संख्या काफी बार है, टू काफी टाइम्स बार आ रहा है, लेकिन पांच है तो पांच में आएगा, पंद्रह में आएगा, बीस में आएगा, पच्चीस में आएगा, तीस में आएगा, ऐसे चलते चलते 95 तक आएगा। लेकिन दो दो में भी आ रहा है, चार में दो बार आ रहा है, छह में भी आ रहा है, आठ में तीन बार आ रहा है, दस में भी आ रहा है, ऐसे चलते यहाँ पर नंबर ऑफ टू है, टू काफी बार आ रहा है, तो अपन उसी चीज को दोहराएंगे जो अपने अभी पहले देखा था। जो लार्जेस्ट नंबर 100 है उसको अपन पांच से डिवाइड करेंगे और देखेंगे पांच की संख्या कितनी बार आ रही है इसके अंदर। पांच से डिवाइड करने के बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पे 20 आया। एक चीज वापिस देखते हैं कि 20 फर्दर पांच से डिवाइड हो रहा है, तब तक डिवाइड करेंगे जब अपने पास भागफल है वो इससे छोटा ना आ जाए। यानी कि ये जो नंबर है अपना वो इससे जब तक डिवाइड होगा तब तक अपन डिवाइड करते जाएंगे और जहां डिवाइड नहीं होगा वहां रुक जाएंगे। फिर जो जो जितनी बार नंबर आया है अपन उसको ऐड कर लेंगे। 20 प्लस 4 बराबर 24। तो एक से 100 तक के मल्टीपल में जीरो की संख्या होगी 24, 24। कोई बड़ी रामायण नहीं है इसके अंदर, सिंपल सी बात है, कर लोगे। अब और आगे देखते हैं इसको, जैसे ये संख्या चल रही है आगे, इसको अपन 500 तक ले जाएं। कोई खास बात नहीं है, 500 तक ले जाएंगे। अभी अपने क्वेश्चन किया है, अपने को पता है लार्जेस्ट नंबर क्या है, 500 है, 500 को डिवाइड करेंगे 5 से। 5 से डिवाइड करने के बाद अपन को पता है कि 100 आएगा। 100 को फर्दर 5 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में 20 आएगा। 20 को फर्दर 5 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 4 आएगा। अब अपन इन तीनों को 100, 20 और 4 इन तीनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में अपने पास आ रहा है 124। एक से लेके 500 तक के मल्टीपल में जीरो की संख्या होगी 124 जीरोस आएंगे। कोई परेशानी कर लो नोट। कुछ नहीं है दोस्तों, ज्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं है। एक एक एग्जाम्पल लेते लेते आगे तक जाएंगे। नंबर ऑफ जीरो काउंट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में कई बार पता नहीं लगता है, ठीक ध्यान में नहीं रहती, तो सिंपल सा क्वेश्चन रह जाता है नंबर सिस्टम का, और काफी बार एग्जाम में आते हैं इसके क्वेश्चन। अब अपने एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 × 100 टाइम्स बार चलते हैं इसको। इसमें अपन को नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने हैं, क्या आएगा आप करके देखो पहले। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, इसके अंदर भी वही अपन को अपना फंडा यूज में लेना, वही अपन को मेथड लगाना है। लार्जेस्ट नंबर है 1000। 1000 जो लार्जेस्ट नंबर दे रखा है उसको अपन डिवाइड करेंगे 5 से। 5 से डिवाइड करने वाली बात मैंने बता दी आपको, और इसमें कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। 5 से सीधा सीधा डिवाइड होता है, कोई 17, 23, 35, 39 ऐसी संख्या हो तो फिर भी सोचते हैं कि अपने को भाग आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन 5 वाला 10 तक तो सबको आते ही हैं। सही है, 5 से डिवाइड करेंगे 200। 200 को फर्दर डिवाइड करेंगे 5 से तो अपने पास आएगा 40। दोस्तों 40 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे अपने पास आएगा 8। तब तक करते रहेंगे जब तक ये नंबर 5 से छोटा ना हो जाए।
एट को फर्दर 5 से डिवाइड करेंगे, अपने पास आएगा 8। एक बार डिवाइड हो रहा है। अब इन सभी को अपन काउंट कर लेंगे, 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, इनको ऐड करने के बाद में अपन को पता लगेगा 240, 249 आया, 249। दोस्तों एक से लेके एक हजार तक जाने के बाद में मल्टीपल, इसके एक से लेके एक हजार के मल्टीपल में अपन को 249 जीरोज मिलेंगे। नंबर को मल्टीपल करेंगे उसके बाद में 249 जीरोज आएंगे, ठीक है। कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है इसमें। अब अपन मान लो 575 दे दिए यहाँ पे, यही रामायण दोहरानी है फिर से। मैं बार बार इतने एग्जांपल क्यों करा रहा हूं दोस्तों, जितने ज्यादा एग्जांपल करोगे माइंड में आसानी से बैठने वाली चीज है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वही लार्जेस्ट नंबर क्या है इसका, लार्जेस्ट नंबर 575 है, 575 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 1 5, सही है। 115 को फर्दर 5 से डिवाइड करो, अपने पास आएगा 2 3। 23 को फर्दर 5 से डिवाइड करो, 5 4 20 4। रिमाइंडर क्या आ रहा है उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। यूनिट डिजिट निकालते हैं, उसके अंदर पूरा खेल रिमाइंडर का होता है, उसमें अपन को वाकल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जीरो निकालते हैं उसमें अपन को रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, अपन को सिर्फ वाकल से मतलब है। अब हम इसको काउंट करते हैं, 115 प्लस 23 प्लस 4, देखो 4 3 7 5 12, 2 1 3 1 4, 142 जीरो, इसमें 142 जीरो जाएंगे। फंडा कुछ नहीं है, फंडा सिर्फ एक ही है इनमें, वही है जैसे किसी संख्या को 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 ऐसे लिखते जाओ, 4 जीरो आ रहे हैं, 10 है 5 का और 2 का फैक्टर है, 10 है 5 का 2 का फैक्टर है, 10 है 5 का 2 का फैक्टर है, गुना करते जाओ, ये 5 2 का जितने फैक्टर बनते जाएंगे उतने नंबर ऑफ जीरो उसके अंदर होते जाएंगे। और कोई चीज नहीं, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जितने नंबर ऑफ 5 ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ जो अपन 2 को काउंट करेंगे, और 2 ज्यादा होंगे तो 5 काउंट करेंगे, जो कम होगा नंबर ऑफ जीरो उतने होंगे। अब ये तो शायद एक वाला तो हो जाएगा, चलो एक एग्जांपल और करा देता हूँ, 175 तक इसमें निकालने नंबर ऑफ जीरो। 175 को 5 से डिवाइड करो, वही बात है 5 से डिवाइड करोगे 3 2 5 35 आ गए, 35 को फर्दर 5 से डिवाइड करोगे 7 7 को फर्दर 5 से डिवाइड करोगे 1, ऐड करने पर 35 प्लस 7 प्लस 1 बराबर क्या आ रहा है अपने पास, 43 जीरो जाएंगे। छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अब अपन इसमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8, और अपन इसको लेके चलते हैं 100 तक, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे ये अपने को काम होना। इससे पहले अपन जो देख रहे थे वो 1 गुना 2 गुना 3 गुना फैक्टोरियल वाली सीरीज चल रही थी, लेकिन यहां पे सम संख्या में मल्टीपल आ रहा है
यहां पे देखने वाली चीज है दोस्तों, दो को अपन क्या लिख सकते हैं, दो गुना एक, उसके बाद में चार को क्या लिखते हैं, दो गुना दो, छह को दो गुना तीन, आठ को दो गुना चार, ऐसे अपन इसको लिखते जाएंगे। अनरेड को क्या लिखेंगे, दो गुना पचास। कोई दिक्कत यहां तक? सीधी सी बात है, लगता है सबको समझ में आ गई होंगी। अब अपन एक बार देखते हैं कि इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो, इसमें भी दो है, सब नंबर में दो है, तो दो कितनी बार आ रहा है, दो है वो 50 टाइम्स बार आ रहा है। तो अपन देखते हैं दो की पावर 50, 50, और फिर एक गुणा दो गुणा तीन गुणा ये जो नंबर अपने पास बचे हैं, ये कहां तक जा रहे हैं अपने, 50 तक जा रहे हैं, 50 तक जा रहे हैं। कोई दिक्कत? ये जो नंबर दो की पावर 50 है, इसको साइड में रख दो। ये है जो अपने अभी तक जो क्वेश्चन किया है, उसी प्रकार से लार्जेस्ट नंबर है 50, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास भागफल आया 10, 10 को फर्दर 5 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में 5 से डिवाइड करो 2। इसके अंदर जो नंबर ऑफ जीरोज है वो आएंगे अपने 10 प्लस 2 बराबर 12, 12 जीरोज इसके अंदर आ जाएंगे। इसमें कोई जीरोज आएगा नहीं, दो की पावर 50 करो, 100 करो, कितनी कर लो, तो इससे अपना कोई मतलब नहीं है। और इसके अंदर पूरे के अंदर अपने को जो जीरोज मिलेंगे वो 12 मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं। अब अपना और नंबर चलते हैं, 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12 गुणा, और ये अपन करेंगे 180 तक। इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं, पिछले वाली सीरीज से अलग सीरीज है, 180 तक जा रही है, यहां से गिरता हूं 180। इसमें अपन को नंबर ऑफ जीरो निकाला, तो यहां लगाओ अपना दिमाग, वही चीज करनी है जो अपने पिछले एग्जाम्पल में की थी। 3 को क्या लिखेंगे अपन, 3 गुणा 1, 3। 6 को क्या लिखेंगे, 3 गुणा 2, 9 को क्या लिखेंगे, 3 गुणा 3, 12 को लिखेंगे 3 गुणा 4, ऐसे अपन लिखते जाएंगे 3 गुणा 60, 180 हो गया। कोई दिक्कत? अब प्रत्येक के अंदर 3 आ रहा है, 3 से अपन यहां से देखते जाओ लास्ट तक 3 आ रहा है। अब 3 कितनी बार आया, 3 आया है अपने पास से 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ऐसे 60 टाइम्स बार आया है, 3 अपने पास 60 टाइम्स बार आ रहा है। तो अपन 3 को लिख देते हैं 3 की पावर 60 गुणा, अब अपने पास क्या बचा, वही सीरीज बची, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा कहां तक है, 60 तक। यहां तक कोई दिक्कत? बड़ी आसान सी बात है। अब अपन को इसमें से अपने कोई दिक्कत वाली कठिनाई वाली बात नहीं है, 60 लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर को अपन 5 से डिवाइड करेंगे, 12 5 60, 12 को फर्दर 5 से डिवाइड करो 2। यहां अपन देखते हैं कि 12 प्लस 2 बराबर 14। दोस्तों इस मल्टीप्लिकेशन के अंदर अपने पास 14 जीरो आएंगे, 14 जीरो आएंगे, इससे पहले 3 की पावर 60 है, इसके अंदर कोई जीरो नहीं बनेगा, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को जीरो से मतलब है, तो अपन ने ये सॉल्यूशन निकाला है और ये 14 जीरो अपने पास आ गया। हर नंबर के अंदर 3 आ रहा है, बार बार आ रहा है, 60 बार आया है, इसको अपने साइड में कर दिया, अपने वही से निकाली है जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई जी। चलो एक अलग तरीका और देखते हैं आगे का।
उम्मीद है यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और ना समझने वाली इसमें कोई बात भी नहीं है। 4 × 8 × 12 × 16 × ये है, और ये अपन ने किया है 480 टाइम्स बार किया है। इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं, इसके अंदर जीरो की शून्य की संख्या कितनी होगी? कोई बड़ी बात नहीं है, अपने पास 480 आ जाए चाहे 1280 आ जाए, कितना भी आ जाए, अपने इसको आसानी से कर लेंगे। अपन को इसका अपना मतलब है, मालूम है, वैसे ही करेंगे। 4 × 1 4 × 2 4 × 3 4 × 120, कोई दिक्कत? पहले की तरह सेम किया है, 4 है यहां पे, वो अपने पास आ रहा है 120 टाइम्स हुआ है, 4 × 120 हो गया। उसके बाद में वही सीरीज बन गई अपने पास, 1 × 2 × 3 × और ये 120 बार आ रहा है। फिर से वही चीज, लार्जेस्ट नंबर 120 है, 120 को 5 से डिवाइड करो, 2 बार गया 4 बार गया। 24 को फर्दर 5 से डिवाइड करोगे तो अपने पास में 4 बार जाएगा 4 बार गया, ये 5 से छोटा हो गया, मतलब यहां तक अपने को डिवाइड करना है। अपन इसको ऐड करते हैं तो 24 + 4 = 28, ये अपने नंबर ऑफ जीरो जाएंगे। इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ मतलब यहाँ था जीरो निकालने के लिए, 28 टाइम्स बार जीरो आएगा इसके अंदर। सिंपल सा है, कोई हार्ड नहीं है इसके अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं, इससे थोड़ा आगे और जाते हैं। छः गुना 12 × 18 ये चल रहा है अपना, और ये इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, ये एग्जाम में आपसे सुना था। सिंपल सा फंडा इसका, वही लगाना है, 6 × 6 × 1, 12 × 6 × 2, 18 × 6 × 3, 6 × 40, ठीक है। 6 अपने 40 बार आया, उसके बाद में अपने पास वही मल्टीपल आ रहे हैं और ये 40 बार जा रहा है। लार्जेस्ट नंबर 40, इसे कोई मतलब नहीं है, 40 को डिवाइड करो 5 से, 8 को फर्दर 5 से डिवाइड करो, 1 8 + 1 = 9, इस मल्टीपल के अंदर अपने पास में 9 जीरोज आएंगे। सिंपल सा है, चलो आगे और देखते हैं थोड़ा सा। 1 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन और करते हैं, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जब जिन्होंने एग्जाम दिया मुझे आशा देखते पता लगेगा, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको, देखते आंसर बता देंगे। 1 × 3 × 5 × 7 और ये अपने पास जा रहा है 99 टाइम्स बार, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने अपने को। जो अच्छे से क्वेश्चन को देखेगा उसको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होगी, और जो पहली बार देखेगा वो इसको गुणा करता ही रह जाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक जहां तक रहेगा। दोस्तों मैंने शुरू में एक चीज बताई थी, जीरो का बनता है 5 × 2 का फैक्टर आएगा इसके अंदर, तब 5 का यहाँ पे अपन देखो कि 5 × 2 का फैक्टर कहाँ पे आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन जो नंबर चल रहा है वो ऑड नंबर चल रहा है, ऑड नंबर के अंदर तो 2 आएगा नहीं, 2 कहाँ आता है, 2 आएगा सम संख्या होगी वहां पे आएगा, इवन नंबर होगा वहां पे 2 आएगा, लेकिन इसके अंदर तो कोई भी इवन नंबर नहीं आ रहा है। इवन नंबर नहीं आ रहा है इसका मतलब है अपने पास 2 भी नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है तो अपने पास 0 भी नहीं आ रहा है।
सीधी सी बात है, पांच आ गया, पांच अकेला जीरो नहीं बना सकता है, जीरो बनाने के लिए पांच को दो की आवश्यकता होगी, दो अपने पास आ नहीं रहा है, तो कितने भी ऑड नंबर दिए हो, अगर इवन नंबर नहीं आ रहा है, चाहे पांच कितनी भी बार आ जाए, तो अपने पास जीरो नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जीरो, इसमें कोई जीरो नहीं आएगा, नील। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जिन्होंने अपना दिमाग लगाया था उन्होंने बिना टाइम खराब किए हुए, बिना पेन चलाए हुए सीधा कर दिया, और जिन्होंने दिमाग लगाया, ज्यादा दिमाग लगाया, जिनको कुछ पता नहीं था कि इसको गुणा करके देखते हैं, वैसे देखते हैं, उनको पता नहीं था। एक इतनी सी बात ध्यान में रखनी थी कि पांच गुणा दो का फैक्टर आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर फैक्टर नहीं आ रहा है तो जीरो नंबर ऑफ जीरो नील है। चलो आगे एक और देखते हैं, एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। 10 गुना 20 गुना 30, अब यह चल रहा है अपना 1000 बार, इसमें अपन को नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे। पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है थोड़ा, लेकिन अपन को इसका फंडा मतलब अपने लिए कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है, अपन को अपना दिमाग लगाना, देखना है क्या होता है इसमें। ज्यादा कुछ नहीं करना है, वही करना है 10 गुना 1, 10 गुना 2, 20 बन गया, 10 गुना 3, और यहां पे अपन देखते हैं 10 गुना 100 बन गया, वो मल्टीपल पूरा पूरा अपने इसको फैक्टर में बना के रख दिया है क्वेश्चन को आसान से सॉल्व करने के लिए। अब अपन देखते हैं कि 10 गुना 10 गुना 10 है ये, इसमें 100 टाइम्स बार आ रहा है, 100 टाइम्स बार 10 से गुना हो रहा है, तो अपन 10 की पावर कर देते हैं 100। फिर अपने पास वही सीरीज बन गई 1 गुना 2 गुना 3, और ये अपने पास 100 बार आ रही है। लार्जेस्ट नंबर है 100, पहले वाला सिंपल सा मेथड लगाना, 100 को 5 से डिवाइड करो, 20 को फर्दर 5 से डिवाइड करो, 4, 20 प्लस 4 बराबर 24, 0 तो ये आ गए अपने पास में इस सीरीज के अंदर आ गए। लेकिन इसके बाहर देखते हैं, अपन को 10 दे रखा है, 10 ऑलरेडी जीरो की संख्या है, जीरो है, और 10 की पावर अपन को और दे रखी है 100। एक चीज देखते हैं, 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 3 1000, 10 की पावर 4 10,000, ऐसे करते जाते हैं अपन। पावर 1 0 1, पावर 2 0 2, पावर 3 0 भी 3 है, पावर 4 है तो 0 भी 4 है। अब अपन ने देखा कि पावर इसमें 100 है, तो इसके अंदर 100 जीरो तो ये इस पावर के हो गए, प्लस 24 जीरो ये आ गए अपने पास में, तो अपने पास नंबर ऑफ जीरो जाएंगे 124। अगर पावर 1 दे रखी है तो 1 जीरो है, पावर 100 दे रखी है तो 100 जीरो तो इसके अंदर ऑलरेडी बाहर है, 24 जीरो अपने इसके अंदर से निकाल लिया, टोटल हो गए अपने पास में 124 जीरो। सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है उनसे इसके अंदर। अब इसको आगे और देखो, इसको और करना चाहो तो 600 तक कर लो, वही करना है जो अभी अपने इसमें किया है, थोड़ा और पता लग जाएगा। 600 तक करोगे तो इसको तो वैसे रख दिया,
यही कैलकुलेशन चलेगी। 10 को 10 गुना 1, 10 20 को 20, 10 गुना 2, 30 को 10 गुना 3, इसको 10 गुना 60, 600 हो गए। 10 की पावर 60, 10 है वो 60 टाइम्स बार इसके अंदर आ रहा है मल्टीपल में, तो अपने 10 की पावर 60 कर दी और वही सीरीज लगा दी, 60 बार आ रहा है, लार्जेस्ट नंबर अपने पास 60 है, 60 को 5 से डिवाइड करो, 12 पंजे 60, 12 को फर्दर 5 से डिवाइड करो तो इसके अंदर आएगा 2, 12 प्लस 2 14 जीरो, तो ये आ गया अपने पास में। मैंने अभी बताया था 10 की पावर 1, 10, 10 की पावर 2, 100, यानी कि 2 पावर है तो 2 जीरो, 1 पावर तो 1 जीरो है, तो 60 पावर है, 60 जीरो तो अपने पास में ये है। इस मल्टीप्लिकेशन को अपने किया तो अपने इसके अंदर 14 जीरो और निकाले हैं, तो ये हो गए अपने 74 जीरो, इसके अंदर आएंगे 74 जीरो। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं इससे, धीरे धीरे बिल्कुल आराम से समझते हुए आगे जाएंगे, पहले छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे फिर बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। 100 गुना 200 गुना 300 और अपन इसको करेंगे 1000 बार, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकाल लें अपन को, वही जो अपने किया है पहले वही करेंगे इसके अंदर भी, पर ज्यादा कठिन होना चाहिए। 1000 क्या, इसको 10,000 कर लो। अब देखो इसमें अपन देखते कि 100 को गुना करते हैं एक से, 100 गुना 2 इंटू 100 गुना 3, वही करना है जो अपने पहले किया था। इसके बाद देखते हैं अपन को 10,000 को लिखते हैं 100 इंटू 100, ये हो गया, यहां तक कोई दिक्कत दोस्तों? इसके अंदर 100 है वो 100 टाइम्स बार आ रहा है, तो 100 की पावर 100, 100 अपने पास में 100 बार आया है, इसमें भी 100, इसमें भी 100, इसमें भी 100, और 100 तक अपनी ये सीरीज चली है, मल्टीप्लिकेशन की जो सीरीज है 100 तक चली है, तो अपन इसकी पावर लगा देते हैं 100 और आगे देखते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना, और ये अपने आ रहा है 100 टाइम्स बार, ये वही सीरीज बन गई, लार्जेस्ट नंबर 100 है, अपने पहले भी सॉल्व करके देखा है लेकिन अपन अभी देख लेते हैं फिर से, 5 से डिवाइड करते हैं 20, 20 को फर्दर 5 से डिवाइड करो 4, ये अपने इससे छोटा आ गया, यहाँ तक अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं, 20 प्लस 4 बराबर 24 जीरो, तो अपने पास में इससे आ गए। लेकिन देखने की चीज ये है कि इसके जो बाहर हैं इससे अपन इससे भी मतलब रखना है, इसके अंदर इससे मतलब इसे रखना है कि जो 100 है इसके अंदर ऑलरेडी 2 जीरो है, इसके भी ऊपर पावर है 100, तो इसको अपन सोल्व करते हैं, 10 को अपन लिख देते हैं, इसको 100 के लिख देते हैं 10 की पावर 2 की पावर 100, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत? 10 की पावर 2 100 होता है। अब अपन इसको गुणा करते हैं तो 10 की पावर होगा यहाँ पे 200, इनको गुणा कर लिया, 10 की पावर 200 होगी। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में कि 10 की पावर जितनी होगी उसके अंदर उतने ही जीरो होंगे, तो अपन देखते हैं कि 200 जीरो तो इसके अंदर हैं प्लस 24 जीरो, ये इसमें सीरीज में से निकाले अपने, तो अपने पास में कितने आए इसके अंदर आए अपने पास में 224 जीरो। इसको अपन सोल्व करेंगे गुणा करेंगे तो अपने पास में लास्ट में आएंगे 224 जीरो, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट अपन करते हैं, इसे और बड़ा ले लेते हैं,
हजार गुना 2000 गुना 3000 गुना और 1, 2, 3, 4, 5 1 लाख। इसमें अपन नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं। अरे ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है ये, जीरो देख के डरना नहीं है अपन को, अपन को जीरो निकालने ही हैं। वही करते हैं अपन, 1000 गुना 1, 1000 गुना 2, 1000 गुना 3। यहां देखते हैं अपन इसको, 1000 गुना 100 सही है, 1 लाख को लिख लिया अपने। 1000 अपने पास में यहां पे 1000 बार आ रहा है तो 100 बार आ रहा 1000 की पावर हो गई 100 गुणा वही अपने पास में पहले वाली रामायण है, 100 बार आ रहा है ये, तो ये जो संख्या है इसके अपन ने जीरो निकाल ले हैं पहले, तो इसमें जो लार्जेस्ट नंबर है उसका निकाल के देखा था अपन ने, 100 को 5 से डिवाइड किया था, 20 और 20 को डिवाइड किया था फिर 4, तो 24 जीरो, तो ये 1 से लेके 100 तक आ रहे हैं पहले से अपने पास। अब अपने यहां देखते हैं इसके अंदर देखेंगे कि कितना जीरो और है, मेन जीरो का रोल यहां होगा, 10 की पावर 3, 1000 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसकी पावर 100 दे रखा अपन को, तो इसको अपन सोल्व करते हैं तो अपने को इसको ऐसे लिख सकते हैं यहां 300, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए, पहले बताई हुई चीज है। तो दोस्तों 300 जीरो तो इसके अंदर आ गए, 24 जीरो इसमें से निकाल लिया अपन ने, तो इसमें आगे टोटल 324 जीरो। कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अब अपन एक अलग टाइप का निकालते हैं, पांच गुना 10 गुना 15 गुना ये चल रहा है अपना 100 टाइम्स बार। इसमें अपन को जीरो की संख्या निकालनी है, कितने जीरो आएंगे, पहले अपने उस नंबर में लिए थे, अब की बार अपने 5 के अंदर ले रहे हैं, वही करना है, 5 गुना 1 सॉरी 5 गुना 2 5 गुना 3 और 5 गुना 20 हो गया। 5 अपने यहां पे आ रहा है 20 टाइम्स बार, बाकी अपने पास में ये मल्टीप्लिकेशन ये आ रहा है, ये 20 बार आ रहा है, इसमें से अपन जीरो निकालते हैं, लार्जेस्ट नंबर है 20 में 5 का भाग देंगे, अपने पास आएंगे 4 जीरो, तो ये यहां अपन देखते हैं, सॉरी थोड़ा ये गलत हो गया, अपने पास 5 की संख्या तो काफी है, मैंने पहले क्या बताया था, लेकिन इसमें अपन देखते हैं कि अपने पास में 2 यहां है, यहां है 5 फिर भी आ रहा है, 5 अपने पास 20 टाइम्स बार पहले दे रखा है, तो अपन इसमें जो लार्जेस्ट नंबर है 20 उसमें अपन इस बार 5 का भाग ना देके भाग देंगे 2 का भाग देंगे ऐसे, नहीं तो ऐसे करके देख लेना, चलो ये तो 20 दे रखा है लेकिन जब बड़ी संख्या होगी तो आप इसको इसे सीधा से करके देख लो, और 2 बार गया सीधे, तो अपने पास कितने आएंगे यहाँ पे, 10, 5 और 2, कोई बात है, 10 को फर्दर 2 से डिवाइड करो 5 को फर्दर 2 से डिवाइड करो 2 को फर्दर 2 से डिवाइड करो, ये 1 और ऐड करना है, तो इनको ऐड करते हैं, 10 + 5 + 2 + 1 15 3 18
18 बार 2 आ रहा है इसके अंदर, 5 अपने पास 20 बार तो यहां आ रहा है, यहां भी 5 आएगा, आगे 10 में भी 5 आएगा, 15 में भी 5 है, 20 में भी 5 है, 5 की संख्या ज्यादा है लेकिन अकेला 5 तो 0 बना नहीं सकता, 0 बनाने के लिए अपन को 2 की आवश्यकता होगी, 2 18 बार आ रहा है तो इसके अंदर 0 की संख्या भी 18 ही होगी। 5 गुणा 2 का फैक्टर लेंगे, 2 का फैक्टर लेने पर 10 बनेगा, 10 बनेगा तो 0 आएगा, 0 2 का 2 18 बार आ रहा है तो इसके अंदर जो जीरोज की संख्या आ गई वो 18 होगी। अब एक और देख लेते हैं फिर अपन इसको कंप्लीट करते हैं। 7 गुणा 14 गुणा 21 गुणा 280, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं अपन को। 7 गुणा 1, 7 गुणा 2, 7 गुणा 3 और 7 गुणा 40, ठीक है। 7 है ये अपने 40 टाइम्स बार आ रहा है इसके अंदर, फिर अपने पास में वही सीरीज 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और ये अपने 40 तक चल रही है, इसके अंदर कोई जीरो नहीं बन रहा है, 7 कोई भी जीरो शो नहीं करेगा, अपन को सिर्फ इसके अंदर जीरो काउंट करने हैं। लार्जेस्ट नंबर है अपना 40, 40 के को 5 से डिवाइड करते हैं 8 बार आएगा, 8 को फर्दर 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार आएगा, तो इसमें 8 प्लस 1 बराबर हो गया 9 जीरो, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, छोटा सा टॉपिक था, कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, सिंपल सा टॉपिक है। तो आज आपने देखा कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे काउंट करते हैं। थैंक यू।